हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संजीव स्मार्ट थॉट। और आज का जो वीडियो है वो बिजली गिरने के ऊपर है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे घरों के आसपास जब बिजली गिर जाती है तो जो हमारे बिजली के उपकरण है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो मेरा जो वीडियो है इसी के ऊपर है। तो किस तरह से जो बिजली गिरने पर हमारे घरों के बिजली के उपकरण जो है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स वगैरह, टीवी, जितना भी डिश एंटीना वगैरह है, जो जल जाते हैं कभी कभार, तो इस ये किस तरह से जल जाते हैं और इसे कैसे बचा जा सकता है, इसी पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं पूरी तरह से समझ जाएंगे बिजली गिरने पर किस तरह से जो हमारे घरों के बिजली के उपकरण है ख़राब हो जाते हैं और इसे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह का दो इलेक्ट्रिक पोल्स बनाया है। जो हमारे घरों के बाहर जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, बड़े बड़े खंभे होते हैं, उस तरह का जो है मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल्स बनाया है और उसी तरह दो वायर लगा दिया है, फेज और न्यूट्रल। तो इस तरह से मैंने इसमें देखिए दो वायर लगाया है और एक यहाँ ओपन है और एक यहाँ ओपन है और यहाँ भी ओपन है, यहाँ भी ओपन है। तो इस तरह का मैंने दो इलेक्ट्रिक पोल्स बनाए हैं। और क्या करेंगे आप करेंगे, इस तरह का डब्बा लेंगे, आप देख सकते हैं इस तरह का है। और यहाँ मैंने एक छेद कर दिया है और यहाँ एक छेद कर दिया है। यहाँ सॉकेट लगेगा और यहाँ एक बल्ब लगेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह का सॉकेट लेंगे इस तरह का और यहाँ लगा देंगे और यहाँ पर एक बल्ब का होल्डर लगा देंगे इस तरह से। और अब क्या करेंगे, इस तरह का बेड स्विच लेंगे। आप देख सकते हैं ये बेड स्विच है, इस तरह का आता है और इसे मैंने खोल लिया है और इसको खुला ही लगा देना है इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ मैं इसको चिपका दूंगा कि ताकि आपको जो अंदर क्या हो रहा है, किस तरह के समझाने के लिए कि यहाँ पर ये खुला रहेगा तो आपको दिखेगा, इसलिए मैंने इसे खोल लिया है इसका ढक्कन और इसी तरह से मैं इसे चिपका दूंगा। तो चलिए इसे चिपका देते हैं, फिर इसका जो है वायरिंग कंप्लीट कर लेते हैं ये बोर्ड का। तो आप देख सकते हैं मैंने जो है इसका जो वायरिंग है कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से अंदर मैं दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ मेरा जो होल्डर का जो कनेक्शन है सिर्फ प्लग में किया हुआ है, 5 पिन प्लग में। आप प्लग का कनेक्शन और कहीं नहीं किया हुआ है। तो इसे रख देते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं जो ये सॉकेट है, सॉकेट के साथ और स्विच के साथ जो कनेक्ट किया है मैंने। और इस वायर को जो है देखिए न्यूट्रल फेस यहाँ पर लगेगा, तब जाके इस स्विच को ऑन करेंगे तब जाके सॉकेट में पावर आएगा। और इस प्लग को यहाँ लगा देंगे इस तरीके से और एक बल्ब यहाँ लगा लेंगे। तो इसे जला कर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए जैसे ही मैंने इसे ऑन किया तो ये जो मेरा बल्ब है ये जल गया। तो इस तरीके से हमारे घरों का कनेक्शन होता है। तो उसमें से एक कनेक्शन मैंने आपको समझाया और यहाँ से स्विच को ओपन रखा है कि जब बिजली कड़कता है तो कैसे मेरे जो हमारे जो घर का बिजली के उपकरण जो है ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए इसमें बिजली भी गिरा कर देख लेते हैं किस तरीके से जो मेरा है ये हमारा बल्ब जो है किस तरीके से ख़राब हो गया। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बोर्ड को इस तरह से खड़ा कर लिया आपको दिखाने के लिए और यहाँ पर जो है मैंने इलेक्ट्रिक पोल्स जो मैंने बनाया था वो रख दिया है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हमारे घरों पर इलेक्ट्रिक पोल्स से ही हमारे घर तो बिजली आती है, तो हमारे घरों के जो बोर्ड से इलेक्ट्रिक बोर्ड से वहाँ पर जो बिजली आती है। तो इस तरीके से जो है मैं मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक पोल्स है और यहाँ से जो हमारा बिजली जो है हमारे घरों के बोर्ड तक आती है। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक पोल्स में जो इसका पावर जो है लगा देता हूँ न्यूट्रल फेस इस तरीके से। यहाँ न्यूट्रल लगा दिया और यहाँ एक फेस लगा दिया। तो इस तरीके से मैंने जो है न्यूट्रल फेस लगा दिया, जैसे हमारे घरों पे इलेक्ट्रिक पोल से हमारे घरों के बोर्ड तक इलेक्ट्रिक बोर्ड तक आता है कनेक्शन, उसी तरह से सेम मैंने ये प्रोसेस कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोल्स है जो खंभे होते हैं हमारे बिजली के जो इसमें पावर देंगे तब हमारे घरों तक जो बिजली आती है। तो यहाँ पर पावर देंगे तभी ये बल्ब मेरा जलेगा। तो यहाँ पर जो है दो तार यहाँ लगा देते हैं इस तरीके से और इस स्विच को ऑन करेंगे, देखते हैं जलता है कि नहीं। यह देखिए जो हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स है इसमें पावर अभी है, इसको छूने से ही करंट मार देगा। तो ये इलेक्ट्रिक पोल्स से हमारे बोर्ड तक जो है बिजली आ चुका है। तो अब क्या करना है कि इसमें जो है बिजली गिरने से जो हमारे हैं जो हमारे घरों के बाहर जो होते हैं इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह में बिजली गिरने से जो वो बिजली है जो हमारे घरों तक खींचा चला आता है। तो ये किस तरह से खींचा चला आता है तो इसको समझाने के लिए हमें इस जो इलेक्ट्रिक पोल्स में बिजली को गिराना होगा, तभी समझ में आएगा कि हमारे घरों के बल्ब जो है
बिजली के उपकरण जो है कैसे ख़राब हो जाते हैं। तो बिजली गिराने के लिए हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले इसको जो है बंद कर देते हैं और यहाँ हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर से इसमें बिजली गिरा कर देखते हैं कि ये जो मेरा बल्ब है किस तरह से ख़राब हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, जो हमारे ये इलेक्ट्रिक पोल्स है इस पर बिजली गिराने के लिए इस तरह का जो है, देखिए आप देख सकते हैं, इस तरह का हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। आप देख, तो इसका इनपुट में 5 वोल्ट डीसी देने से इसका आउटपुट से 4 लाख वोल्ट का स्पार्क पैदा होता है। जैसे हमारे घरों के बाहर जब बिजली कड़कती है उसी तरह का इसमें छोटा सा बिजली कड़कता है, स्पार्क होता है। तो मैं इसे चेक करके भी आप दिखा देता हूँ कि ये किस तरह का स्पार्क होता है और इसे इस्तेमाल करेंगे, ये मेरा इलेक्ट्रिक पोल्स है जो इसे बिजली गिराने के लिए। तो चलिए इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इसे टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ ये किस तरह से बिजली इसमें कड़कता है। तो चलिए इसमें 5 वोल्ट डीसी देते हैं इसका इनपुट में। तो इसको पावर देने के लिए मैं इस चार्जर का प्रयोग करूँगा, मोबाइल चार्जर का। तो इस तरह का इसमें 5 वोल्ट डीसी मैं इसमें दूंगा। तो इसका रेड वायर में जो है ये पॉजिटिव लगा देंगे इस तरीके से, और ग्रीन वायर में जो है नेगेटिव लगा देंगे, और फिर जाके इसको मैं पावर देता हूँ, फिर क्या होता देखते हैं। देखिए इसमें जो है 4 लाख वोल्ट का जो बिजली इसमें बन रहा है, जैसे हमारे घर के बाहर बिजली कड़कती है उसी तरह का इसमें बन रहा है। तो यही हाई वोल्टेज को मैं अब इस इलेक्ट्रिक पोल्स में गिराऊंगा, फिर देखूंगा कि ये मेरा जो है सर्किट को किस तरह से ख़राब कर देता है, बल्ब को किस तरह से ख़राब कर देता है। तो चलिए इसे इस हाई वोल्टेज को इस इलेक्ट्रिक पोल्स में गिरा कर देते हैं। मैंने इसको चिपका दिया है। तो अब क्या करेंगे, इसका जो दोनों तार को है देखिए इलेक्ट्रिक पोल्स के साथ जोड़ देंगे, इलेक्ट्रिक पोल्स का दोनों वायर को इसमें जोड़ देंगे इस तरीके से और एक वायर को इस तरीके से। तो जो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का दोनों जो सेकेंडरी वायर है उसको इलेक्ट्रिक पोल्स के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है दोनों वायर को। तो अब इसमें 5 वोल्ट डीसी देंगे इस चार्जर की मदद से, और इसमें 4 लाख वोल्ट का जो बिजली है जो इलेक्ट्रिक पोल्स में गिराएंगे, इससे होते हुए जो मेरा जो बिजली है हमारे घरों को बोर्ड तक आ जाता है। तो जैसे ही ये हमारे घरों को बोर्ड तक आता है और तब क्या होता है, मेरा बल्ब ख़राब हो जाता है या बचा रहता है। तो सबसे पहले इसको स्विच ऑफ में ही इसको देखेंगे कि ये जो मेरा बल्ब है ख़राब होता है या बचा रहता है। तो स्विच ऑफ कर देते हैं, फिर इसमें पावर देते हैं, फिर क्या होता है देखते हैं। तो मैं पावर देने जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा बल्ब जो है ख़राब हो चुका है। देखिए स्पार्क हो रहा है यहाँ पर, और ये मेरा बल्ब जो है ख़राब हो चुका है। जबकि स्विच ऑफ है तो भी मेरा जो बल्ब तक है जो पावर है पहुँच जा रहा है। तो जब बिजली कड़के तो स्विच ऑफ रखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बिजली की लंबाई जो है बहुत ज़्यादा होती है और जो स्विच का गैप है वो बहुत कम होता है। इसके वजह से स्विच ऑफ रहने से भी जो करंट है वो उसे पार करके मैं जो मेरा बल्ब है उसको ख़राब कर चुका है, और ये ब्लिंक हो रहा है मेरा बल्ब। आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक पोल से होकर जो है हाई वोल्टेज जो है मेरा बोर्ड तक आ जा रहा है जो मेरे घर तक है। तो चलिए इसे बंद कर देते हैं, नहीं तो मेरा बल्ब पूरी तरह से उसमें जल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें 220 वोल्ट फिर से दिया है मैंने। तो स्विच ऑन करते ही जो ये मेरा बल्ब जो है नहीं जल रहा है, यानी कि बल्ब जो है ख़राब हो चुका है स्विच ऑफ में ही, तो ऑन करने पर भी नहीं जल रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि स्विच ऑफ में भी जो है बिजली हमारे घरों के उपकरणों को ख़राब कर सकती है। तो उससे बचने का एक ही उपाय है कि आप यहाँ जो है इसका प्लग जो है इसको खोल दें, और खोल कर इसको सॉकेट से बहुत दूर तक रखें, क्योंकि अगर सॉकेट नज़दीक रहा तो भी बिजली जो है इससे होकर बल्ब तक पहुंच सकती है, क्योंकि बिजली की लंबाई जो है बहुत ज़्यादा होती है। आप आसमान से बिजली कड़कता है तो देखते हैं उसकी जो लंबाई है बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से जो है बिजली हमारे घरों के उपकरणों के स्विच ऑफ में भी जो है पार कर जाती है और हमारे बिजली के उपकरणों को ख़राब कर देती है। तो इस तरह से जो हमारे घरों के बाहर जब बिजली गिरती है तो हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स के द्वारा हमारे बोर्ड्स तक पहुंच जाती है और इस तरह से हमारे बिजली के उपकरण ख़राब कर देती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरह से जो हमारे बिजली के उपकरण ख़राब हो जाते हैं बिजली कड़कने पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।